खबर है सूरत की। सूरत में कपड़ा व्यापारियों के लिए लॉकडाउन के बाद समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। ना ही कपड़ा बिक रहा है और ना ही पेमेंट आ रहा है। पेमेंट मांगने पर अन्य राज्यों के व्यापारी जान से मारने की धमकी दे रहे होने की कई शिकायतें पुलिस स्टेशन में दर्ज है। कोरोना संक्रमण की दो लहरों के चलते लगे लॉकडाउन और मिनी लॉकडाउन के बाद रिंग रोड स्थित कपड़ा बाजार में जैसे जैसे व्यापारिक गतिविधियां जोर पकड़ रही है, वैसे ही यहाँ सलाबतपुरा थाने में व्यापारियों द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी व जालसाजी की शिकायतें भी जोर पकड़ रही है। पिछले कुछ समय से सलाबतपुरा पुलिस को प्रतिदिन औसतन 10 शिकायतें मिल रही हैं, जिनमें से अधिकतर दीवानी मामलों से जुड़ी होती हैं, तो कुछ व्यापारियों में समझौता भी हो जाता है। लेकिन इनमें से एक दो शिकायतें ऐसी होती है जिनमें पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज करवाई जाती है। मिनी लॉकडाउन के बाद 3-4 दिनों में एक मामले में प्राथमिकी दर्ज होती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से प्रतिदिन 2-2 व 3-3 मामले दर्ज हो रहे हैं। शुक्रवार को 2, शनिवार को 3 और रविवार को भी 3 मामले सामने आए हैं। उल्लेखनीय है कि यदि परिस्थिति नहीं सुधरी तो सूरत के व्यापारियों के लिए तकलीफ और बढ़ जाएगी।